रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में यूपी में भारी तूफान और बारिश की दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मंगलवार तड़के आए आंधी तूफान के बाद मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने जमकर तबाही मचाई। ओलावृष्टि इतनी ज्यादा हुई कि कई स्थानों पर सड़कें सफेद चादर की तरफ ढंक गई। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में यूपी के सीतापुर, हरदोई समेत उससे सटे इलाकों में भारी तूफान और बारिश की चेतावनी दी है। तूफान में कई लोगों के आशियाने ढह गए तो कई के छप्पर और टिनशेड उड़ गए। आंधी पानी के बीच वजीरगंज के गणेशपुर ग्रंट गांव में अमरेश पाल 15 और जानी 50 की पेड़ के नीचे दबकर मौत हो गई। तूफान में सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए जबकि बिजली के कई खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए। इससे लगभग 50 गांवों की बिजली गुल हो गई है। नवाबगंज के कटरा बस्ती राजमार्ग पर पेड़ गिरने से आवागमन पूरे से ठप हो गया है। वन विभाग की टीम पेड़ों को हटाकर रास्ता खाली कराने में जुटी है। ओलों की बारिश से गन्ना, तंबाकू व सब्जी की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। नवाबगंज इलाके के जफरापुर, काजीपुर, बालापुर, कनकपुर, खड़ौआ, इस्माइलपुर, लोलपुर, बल्लीपुर, सानी सहित करीब 15 गांवों में आधी पानी से करीब 20 लाख की सब्जी और गन्ने की फसल बर्बाद होने का अनुमान है।